मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सरकार ना हमें चूतिया बना रही है, चूतिया। प्लस बी इनटू ब्रैकेट स्क्वायर। और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो टू ए बी एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई। भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा टू ए बी निकलता है। साला ये दुनिया बौखला गई है, अब मेरे से नहीं हो रहा है यार। अब कोई तो मुझे मिशन मंगल ले जाओ, साला मैं वहीं पे बसावट कर लूंगा यार। ये तो मैथ साइंस दोनों को फेल कर दिए यार, और ऐसा नेता हमारे इंडिया में है। सच ही बता रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता था। मैं कहता हूँ ना, मैंने पार्लियामेंट में हिसाब दिया है। चल बाजड़ी के, पार्लियामेंट में गिन गिन करके हिसाब दिया है कि रोजगार कैसे बढ़ा है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। अब ये कंडाल जैसे प्राणी फेमस है जानलेवा भाषण देने के लिए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। देख लो, यही है हमारे पीएम। ऐसी चाय टेक्नोलॉजी लाला के हमारे देश के लौंडों और लौंडियों को तो पढ़ाई से साला ध्यान ही भटका दिए है। साला जहाँ देखो वहाँ चाय, एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाला, ग्रेजुएशन चाय वाली। अब सिर्फ एक ही चीज देखने को रह गया है, आईआईटी चाय वाला। अबे भाई कोई है तो आ जाओ आईआईटी चाय वाला, काहे पढ़ाई लिखाई में लगे हो यार। भाई चाय का ट्रेनिंग चल रहा है, जब हमारे देश के पीएम खुद ही चाय वाला है तो भाई जी टेक्नोलॉजी तो आएगा नहीं, चाय का स्टॉल ही आएगा। मेरे हिसाब से शाहरुख खान का फीमेल और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर साला दोनों देश के लिए जानलेवा है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? यार ये हो क्या रहा है? कहीं पे साला चाय का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कहीं पे भैंसों पकौड़े बेचा जा रहा है। साला इसी बात का डर था, जब जब लोगों के पास पावर आ जाती है तब तब लोगों भैंसों ऐसी फेरलंड हरकतें करते हैं। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए ही मिल जाए। अबे इतनी ज्यादा मोटिवेशन आती कहाँ से? साला इनका बस चले ना तो हर एक लौंडो का साला पर्सनल लौंडिया दिला देंगे और फिर बाद में बोलेंगे कोई छूट तो नहीं गया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे। इस व्यक्ति ने बकचोदी की सारी हदें पार कर दी है। ऐसी चीजें देखे ना, मुझे इंसानियत पे शक होता है। आखिर एक इंसान इतनी ज्यादा बकचोदी कैसे फेल सकता है? ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया है। आखिर इतनी ज्यादा बकचोदी आती कहाँ से है मोदी जी? भैंसो जिसके पास BMW, जेट, पर्सनल बंगला सब कुछ होगा, भैंसो गरीब कैसे होगा? ये सब ना भोले भाले गरीब जनता को चूतिया बनाने का तरीका है। आप लोग समझते नहीं है यार। सम्माननीय आदरणीय दीदी, ओ दीदी, ये क्या था भैंसो? आखिरकार एक इंसान अपने आप को कितना दिलासा दे सकता है? आखिर कितनी झंड हो सकती है किसी की जिंदगी? अकेलेपन की पहचान है ये। जो बैंक के बाहर कतार लगाता है बेईमान लोग, गरीबों के घर के बाहर चुप चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं, उनको कह रहे अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। या फिलिप किनिक्स है, साला एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया भाई, जो जिंदगी बदल गई। इन शो बनाने वाले को कोई गोली खिलाओ, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे हैं, साला कोई सीमा ही नहीं है यार। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखकर कृपया करके कमेंट सेक्शन में गाली गलौज ना करें, ऐसा ऐसा सब मोदी जी बोलते हैं। अब यार ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो तो यार लाइक मारो, शेयर करो, कमेंट करो और जो नीचे लाल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yes, she hates me now. I'm in the
mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home.